नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर में कोरोना संक्रमितों के लिए नए बेड्स तैयार। नागपुर के मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने एक वीडियो ट्वीट कर नागपुर में तैयार किए गए 5 नए अस्पताल और आईसीयू और 50 आईसीयू के बारे में जानकारी दी है और कहा कि हम सिर्फ परिवर्तन में बारिश के कारण ढह गई कई पुले। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से कई पुल ढह गए हैं। इनमें नए बनाए गए पुल भी शामिल है। मुख्यमंत्री निधि से करोड़ों रुपए खर्च कर कुडाल गोवेरी मार्ग पर बनाया गया नया पुल। इससे एक बात तो जरूर स्पष्ट है कि यह पुल घटिया किस्म के निर्माण सामग्री से तैयार किया गया था, जिससे पुल बनाने वाले ठेकेदार के लालची प्रवृत्ति और लापरवाही से पुल के ऊपर खर्च किए गए करोड़ों रुपए पानी में बह गए। ठेकेदार की लापरवाही की कीमत अब गांव वाले भुगत रहे हैं। पुल बहने से गोवेरी गांव में आने जाने का मार्ग बंद हो गया है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। भाजपा का शिवसेना पर तंज। लोकसभा विधानसभा चुनाव में पंत प्रधान नरेंद्र मोदी को महान देशभक्त बताने वाली शिवसेना आज सत्ता के लिए कांग्रेस के कदमों पर कदम रखकर चल रही है। सोनिया गांधी को खुश करने में लगी हुई है। सामना में छपे एक अग्रलेख पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कुछ इस अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।